ओके, तो हम फिफ्थ का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें इसको हम कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन तो मेरे पास दे रखा है, इंटरप्रेट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। और यहाँ पे 2.16 में फिगर दे रखा है यहाँ पे, है ना, और 2.17 ये फिगर है। इसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में कुछ कमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये वेलोसिटी जब भी फिक्स हो, है ना, तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है। तो एक्सलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम, है ना। तो एक्सलेशन होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी अपन टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है? देखिए, आप स्टार्टिंग में मान लीजिए यहाँ पे 10 के स्पीड चल रहा है ना, बाद में भी ये 10 के स्पीड से ही चल रहा है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है? 0 का चेंज हुआ है ना। तो 10 माइनस 10 मतलब 0 का चेंज हुआ है। और टाइम कितना लिया यहाँ पे? टाइम मान लीजिए टी ले लेता है, तो 0/t मतलब 0 ही तो होता है ना। तो 0/t का मतलब 0 हो गया, मतलब इसका एक्सेलेशन कितना हो गया? 0 हो गया। तो पहले वाला बॉडी का जो है एक्सेलेशन क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहले वाला बॉडी का जो एक्सेलेशन हो गया इसमें 0 होगा, मतलब नो एक्सेलेशन है, इसमें एक्सेलेशन नहीं काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे बॉडी की, है ना, तो दूसरे बॉडी में क्या होगा? तो दूसरे बॉडी में आपको एक बार पता होगा कि जब भी एक्सेलरेशन ऐसे, है ना, वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक फिक्स रेट से ही बढ़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे मेन आपको इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं, ये आपको वीडियो लेक्चर्स में, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो मेन रीजन होता है यहाँ पे, देखिए, इसका मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ रहा है ना, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, और हर जगह टाइम भी बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है ना। और ये स्ट्रेट लाइन ये दिखाता है कि चेंज जो है इक्वली हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल चेंज जब भी हो रहा है, या फिर जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको मिले, तो आप समझिएगा कि चेंज इक्वली हो रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा कि हर जगह जो चेंज होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी, वो इक्वल होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा हर जगह क्या होगा? कॉन्स्टेंट, है ना, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब ये नहीं और जीरो नहीं है, कॉन्स्टेंट मतलब ये फिक्स है, मतलब हर जगह जो है, मतलब जो बढ़ रहा है ना, वो फिक्स रेट से बढ़ रहा है। मतलब अभी 5 बढ़ा है, फिर आगे जो सेकंड में है, ठीक है, 10 बढ़ेगा, फिर आगे सेकंड में 15 बढ़ेगा, इस तरीके से ना। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में 5 बढ़ा, 2 सेकंड में 10 बढ़ा, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में ऐसे ही 20 होगा, ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है वेलोसिटी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, अब वेलोसिटी का रेट जो फिक्स है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी फिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए ये हम बता रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ा 1 सेकेंड में, है ना, फिर 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा 2 मिनट में, मतलब ये 2 सेकेंड में, और 15 बढ़ा 3 सेकेंड में। तो सभी का चेंज देख लीजिए बराबर हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो रहा है? 5 का चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 5 का चेंज हो रहा है, फिर आगे अगर 20 होगा 4 सेकेंड में, तो यहाँ भी 5 का चेंज हो रहा है, हर जगह 5 का चेंज हो रहा है, मतलब 5 चेंज हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह मतलब 1 सेकेंड में, हर एक सेकेंड के अंतराल पर यह बढ़ रहा है 5 के स्पीड से। तो मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे? कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी याद रखिएगा, टाइम ग्राफ जब ये कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक्सेलेरेशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, है ना, बढ़ेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है फिक्स है, एक्सेलेरेशन मतलब अगर 5 है तो 5 फिक्स हो गया, हर जगह 5 ही होगा इसका, ठीक है, कहीं 7 नहीं हो सकता है, कहीं 8 नहीं हो सकता है ना, हर जगह 5 फिक्स हो गया इसका, ठीक है, 5 5 5 5 इसका एक्सेलेरेशन फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलेरेशन इसका बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये होगा। और आपको 9th में हमेशा जो है आप देखेंगे कि आपको कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूटन का फर्स्ट, या आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों में आप हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ही लगा सकते हैं ना। अदरवाइज आप दूसरा फॉर्मूला आपको अभी नहीं पता है, या अभी अभी आप पढ़ेंगे अपनी 11th में, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आंसर हो जाएगा नो एक्सेलेरेशन, है ना, और दूसरा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें।